देखिए आप लोगों को मैंने फोटोसिंथेसिस के जो दो स्टेप थे, पहला लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्या जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको लाइट रिएक्शन के बारे में बताया था, और लाइट रिएक्शन के फलस्वरूप अपने पास एटीपी और एनएडीपीएच बनकर आ चुके थे। क्या एटीपी और एनएडीपीएच बनकर आ चुके थे। थोड़ा सा तो ध्यान होगा, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता था, ग्रेना या थाइलेकोइड। क्या कोई डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थी। यहां आपके ये मैंने क्या बनाया था, फोटोसिंथेसिस सिस्टम। फोटोसिंथेसिस सिस्टम ध्यान होगा, ये फर्स्ट था और ये सेकेंड था। ध्यान है, इधर हाइड्रोजन आयन, पानी के हाइड्रोलाइसिस से हाइड्रोजन आयन प्लस ऑक्सीजन और प्लस इलेक्ट्रॉन आयन मुक्त होते थे। ये आपको मैं पूरा बता चुका था। ये जो टनल से होकर ऑक्सीसोम स्ट्रक्चर यहाँ आते थे ये, और ये एडीपी से एटीपी का निर्माण करते थे। एक चीज स्टेप ये बताया था, ये जो इलेक्ट्रॉन जाते थे यहां से प्रवेश करते थे, ध्यान होंगे सेकेंड मैंने पहले बताया था, ध्यान है कि नहीं। सेकेंड से कहां जाते थे, प्लास्टोक्विनोन में। प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, क्या साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से पुनः पीएस सिस्टम बन गए। इस प्रकार से ये तो इस ग्राना वाले भाग में आपका यहाँ ये क्या पाए जाते थे, एनएडीपी। इसमें हाइड्रोजन आयन भी पाए जा रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होता था थाइलेकोइड की ल्यूमन जो कैविटी होती थी उसमें अधिक होता था और यहाँ कम होता था, ये चीज बताया था, ध्यान होगा। तो अब ये हाइड्रोजन आयन मुख्य रूप से यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गए, तो इलेक्ट्रॉन एनएडीपी के हाइड्रोजन आयन को जोड़कर क्या बना रहा है, NADPH ये बन गया। यानी कि ये और ये दोनों का जो निर्माण हो रहा है लाइट रिएक्शन के दौरान हो रहा है, लेकिन हो कहाँ रहा है, स्ट्रोमा में। ये पहले आपको ध्यान में रखना है, स्ट्रोमा में लाइट रिएक्शन चल रही है लेकिन ये बाहर आ रहे हैं। क्या तो अब ऑक्सीजन तो ये निकलकर स्ट्रोमेटा द्वारा बाहर आ गई वातावरण में, अपना जो लाइट रिएक्शन बना वो पूरा का पूरा आपको सिस्टम बता दिया। अब यहां के बाद शुरुआत सेकेंड स्टेप होता है, जिसको मैंने आपको C3 डार्क रिएक्शन या मेल्विन केल्विन साइकिल कहा जाता है। तीन नाम है, मतलब पहला नाम डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि यह रिएक्शन अंधेरे में होती है। इस रिएक्शन में लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, लाइट की आवश्यकता वाले थाइलेकोइड में होती है। स्टोमा में जो रिएक्शन चलती है उसमें आवश्यकता नहीं होती, पहले ये ध्यान रखें। ठीक है, ये नहीं है कि लाइट रिएक्शन दिन में हो गई, अब इंतजार से पेड़ पौधे इंतजार कर रहे हैं कि रात आएगी तब होगी, ऐसा नहीं होता है, पहले ये ध्यान रखें। इसका दूसरा नाम मेल्विन केल्विन साइकिल क्यों कहा गया, ये चक्र के रूप में चलती है, चक्र के रूप में ये क्रिया चलती है, रिएक्शन होती है। मेल्विन और केल्विन नामक वैज्ञानिक ने इसको खोज की थी। मेल्विन केल्विन एक ही वैज्ञानिक है, इन्होंने इसकी खोज की थी। इससे पहले डार्क रिएक्शन को कोई नहीं जानता था, तो इस वजह से मुख्य रूप से इसको क्या नाम दे दिया गया, इस वजह से इसको नाम दे दिया गया मेल्विन केल्विन साइकिल कहा जाता है। ठीक है, C3 क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट, स्थाई जो प्रोडक्ट बनता है, अभी मैं बताऊंगा चक्र के दौरान, स्थाई जो प्रोडक्ट बनता है वह कौन सा बनता है, क्या 3PGA बनता है। क्या बनता है, 3PGA बनता है, तो तीन कार्बन वाला होता है। इस वजह से मुख्य रूप से इसको क्या नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया गया, C3 चक्र के नाम से जाना जाता है। इस नाम से जानते, C3 चक्र के नाम से जानते। तो ये इसके तीन नाम हो गए,
डार्क रिएक्शन को ही मेल्विन केल्विन ने खोजा था, तो मेल्विन केल्विन नाम दिया गया। और इसका फर्स्ट जो उत्पाद है जिसको 3PGA यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहा जाता है, जो स्थायी उत्पाद होता है, इस वजह से इसको नाम दे दिया गया C3 चक्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर, पहली चीज तो ये। अब ये चक्र कैसे चलता है, ये चक्र कैसे चलता है, कैसे होता है, उस चक्र को देख लीजिए आप जरा अच्छे ढंग से। तो देखिए, एक RUBP राइबुलोज, क्या इसका जो नाम है राइबुलोज बाईफॉस्फेट या डाईफॉस्फेट कह सकते हैं, शॉर्ट में मैंने लिख दिया RUBP। ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर के रूप में जाना जाता है। भाई CO2 कहां से आ रही है, वातावरण से। इधर आपको ध्यान होगा श्वसन की क्रिया में, रेस्पिरेशन की क्रिया में CO2 का प्रोडक्शन होता है, ध्यान है कि नहीं। पीछे सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि वातावरण से CO2 स्टोमेटा के द्वारा पेड़ पौधों की पत्तियों अंदर आ रही है। दूसरा, रेस्पिरेशन की क्रिया चल रही है मेसोफिल सेल्स में, क्या रेस्पिरेशन की क्रिया चल रही है मेसोफिल सेल्स में, तो स्वाभाविक है कि वहां भी CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये CO2 मुख्य रूप से आपके से आ गई। इसको ग्रहण कौन करे, भाई CO2 अंदर आ रही है, CO2 अंदर आ रही है, इसका फर्स्ट स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन। कौन सा स्टेप होता है, फर्स्ट डार्क रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन। तो ये कार्बोक्सिलेशन की जो क्रिया हो रही है, यानी CO2 का जो कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, का एक एंजाइम होता है जिस एंजाइम को रूबिस को कहती है राइबुलोज, क्या बायफॉस्फेट, सी का मतलब कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, क्या ये नाम तो पूरा वही RUBP शॉर्ट में इसको कहते हैं रूबी। क्या, तो क्या नाम है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट, सी का मतलब कार्बोक्सिलेज, ओ का मतलब ऑक्सीजनेट। इस एंजाइम की उपस्थिति में मुख्य रूप से ये क्रिया होती है। सबसे पहले ये ध्यान रखें, इस स्टेप को क्या नाम दिया गया, कार्बोक्सीलेशन। क्या नाम दिया गया इस स्टेप को, यानी फर्स्ट स्टेप आपका कौन सा चलना है, कार्बोक्सीलेशन। CO2 को किसने रिसीव किया, CO2 को किसने ग्रहण किया, भाई अभी मैं बोलता जा रहा हूं, RUBP ने, राइबुलोज बाई फॉस्फेट, राइबुलोज बाई फॉस्फेट, इसका पूरा नाम है राइबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट। देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन का बना है। कितने कार्बन का बना होता है, ये 5 कार्बन का होता है। पहले नंबर पर एक फॉस्फेट जुड़ गया, और पांचवे नंबर पर एक फॉस्फेट जुड़ गया, तो नाम क्या दिया, किससे जुड़ा, फॉस्फेट, राइबुलोज से, किससे जुड़ा, राइबुलोज में। कौन से नंबर पर जुड़ा, पहले नंबर पर जुड़ा, तो राइबुलोज 1,5-बाई फॉस्फेट इसका पूरा नाम है। क्या, तो इसको क्या कहा जा रहा है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, यानी कि पहला ऐसा उत्पाद है जो CO2 को ग्रहण कर रहा है, जो CO2 को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। इस वजह से इसको किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर के नाम से जानते हैं। इसने CO2 को ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने के बाद मुख्य रूप से क्या बन गया, 3PGA, यानी कार्बोक्सिलेशन क्रिया के फलस्वरूप, कार्बोक्सिलेशन क्रिया के फलस्वरूप 3PGA के 2 मॉलिक्यूल बन गए, 3PGA के 2। देखिए, 5 कार्बन इसमें थे, एक CO2 का कार्बन मिल गया, तो 6 कार्बन हो गए। तो 3PGA कितने कार्बन वाला प्रोडक्ट होता है, 6 कार्बन वाला होता है। तो ये 6 कार्बन 2 भागों में टूट गए, 3-3 वाले प्रोडक्ट के रूप में, जिसको 3PGA कह दिया, यानी 2 मॉलिक्यूल 3PGA के बन गए, क्या बन गए,
दो मॉलिक्यूल 3PGH बन गए। इस प्रोसेस को क्या कहा गया? कार्बोक्सिलेशन। ये प्रोसेस रिविस्को एंजाइम की उपस्थिति में मुख्य रूप से होती है, पहली चीज ये। अब दूसरा स्टेप मुख्य रूप से कौन सा आता है? दूसरा जो स्टेप आता है वह क्या होता है? रिडक्शन। दूसरा स्टेप कौन सा होता है? रिडक्शन होता है। तो यानी 3PGA का क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन फ्री में नहीं होता है, फ्री में नहीं होता है। यह मुख्य रूप से इसके लिए एटीपी की आवश्यकता होती है और एनएडीपीएच की आवश्यकता। ये तो पहले बन चुके हैं, ध्यान है क्या आपको? भी आपका सर जी आए कहां थे गए? तो मैं पहले स्ट्रोमा में अभी परसों भी बताया था और अभी भी मैंने मुख्य रूप से बता के आया हूं। क्या क्या एटीपी कहां बने? स्ट्रोमा में। ये प्रोसेस कहां चल रही है? पूरी की पूरी साइकिल स्ट्रोमा में चल रही है। तो स्वाभाविक है कि रिडक्शन ऐसे नहीं होता है। रिडक्शन मुख्य रूप से होगा किसी ऊर्जा की उपस्थिति में होता है और उसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन आयन का होना बहुत आवश्यक होता है, तो एटीपी। तो जब एटीपी हो रहा है, इससे ऊर्जा ली जाएगी, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी। किसमें हो जाएगा? एडीपी में। और ये किसमें कन्वर्ट होगा? एनएडीपी। हाइड्रोजन आयन निकल गया। क्लियर। अब ये कितने मॉलिक्यूल थे? दो मॉलिक्यूल हैं, तो स्वाभाविक है 2 और 2, तो यहाँ भी 2 बनेंगे और ये 2। क्लियर। एक के लिए ये लिया था, कुल एक मॉलिक्यूल कितने बन रहे थे? 2। तो स्वाभाविक इस प्रोसेस को क्या कहा गया? रिडक्शन प्रोसेस कहा गया। क्या कहा गया? रिडक्शन प्रोसेस कहा गया। रिडक्शन के फलस्वरूप मुख्य रूप से बना क्या? ग्लिसरल्डिहाइड। बनता क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड। तो देखिए 3-फॉस्फेट हाइड बन गया। क्या बन गया? देखिए RuBP कार्बोक्सिलेशन के फलस्वरूप क्या बनाया? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनाए। इसका रिडक्शन हुआ, एटीपी एनएडीपीएच ने भाग लिया, तो जिसके फलस्वरूप क्या बना? ग्लिसरल्डिहाइड बना। क्या बना? ग्लिसरल्डिहाइड बना। तो क्या लिख गया? 3-फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड बना। क्लियर। अब ये 3-फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड से अपने को क्या प्राप्त हो जाती है? शुगर। अपने को क्या बनाना था? फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है कि नहीं बनता है? ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज ये बन गया। अब प्रश्न उठता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 6, लेकिन यहां कितने थे? 5। क्या एक ये मिल गया तो 6 हो गए, लेकिन यहां ये 3 थे, 2 मॉलिक्यूल के 3, तो ये 3 थे, तो स्वाभाविक है। और फिर क्या? तो ये जो, हाँ एक चीज और अभी मैं बता रहा हूं, अब ये वाला जो था आगे चलकर, ये क्या पुनः क्या बना देता जाके? RuBP यानी कि राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट बना देता है। राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट बनाता है, तभी तो चक्र चलेगा। भाई चक्र जब साइकिल नाम दे रहे हैं, मेल्विन केल्विन साइकिल नाम दिया गया या C3 चक्र नाम दिया गया, क्या? तो चक्र जब कह रहे हैं तो जहां से शुरुआत हुआ वो वही के वही प्रोडक्ट बनना चाहिए। जिस प्रोडक्ट से शुरुआत हुआ है वही प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये जो 3-फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड है, ये शुगर बनाकर शेष जो बनते हैं वह 5 कार्बन वाला RuBP पुनः बनाने का कार्य करता है। लेकिन यह भी RuBP ऐसे ही नहीं बनता है, इसमें भी मुख्य रूप से क्या होता है? एनर्जी खर्च होती है। क्या? एनर्जी खर्च होती। देखिए एनर्जी, ये यहां मैं एटीपी से एडीपी लिख रहा हूं, कभी एडीपी से एटीपी लिखता हूं, ये मतलब जानते हैं? ऊर्जा किस रूप में पाई जाती है? एटीपी को करेंसी कहते हैं। तो एटीपी से अपने को ऊर्जा प्राप्त करनी है तो माइनस पी करना पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा? एडीपी। यानी एक पी निकाल दिया इस बॉन्ड पर ऊर्जा की। देखिए दूसरे रूप में मैं बताना चाह रहा हूं आपको क्लियर करके। और देखिए एडिनोसिन पी पी ट्राइफॉस्फेट, एटीपी फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है।
इस बॉन्ड पर क्या पाई जा रही है? ऊर्जा। तो तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा तो क्या बचा? ए बी। तो क्या कहोगे इसको? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्लियर? तो ये विषय ध्यान रखना। अब इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से फिर पुनः एटीपी ऊर्जा करेंसी बनानी है, तो इससे क्या जोड़ना पड़ेगा? एक भी। तो फिर क्या बन जाएगा? पुनः बन गया। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये प्रोसेस हमेशा ध्यान रखना है कि जब ऊर्जा को खर्च करना है तो एडीपी बनेगा, और एटीपी बनाना है तो मुख्य रूप से क्या फॉस्फेट इससे जोड़ना पड़ेगा। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ भी ऊर्जा खर्च हुई, यहाँ भी ऊर्जा खर्च हुई, क्या यहाँ भी ऊर्जा खर्च हुई, लेकिन आपने देखा कि पांच प्रोडक्ट वाला ये बन गया, पांच प्रोडक्ट वाला ये बन गया, यानी पांच कार्बन तो यहां चले गए, एक कार्बन यानी शेष बचा। ये छह प्रोडक्ट थे, छह वाला, तो छह वाला यहां होगा, दो मॉलिक्यूल है तो छह, तो एक यहां बचा, जबकि कार्बन तो एक है, इसमें तो कितने कार्बन होते हैं, तो फिर ये C6H12O6 कैसे बन गया भैया, कैसे बना? तो स्वाभाविक है, ये मैंने एक CO2 को लेकर क्रिया समझाई है। कैसी समझाइए? एक CO2 को, इसको छह बार टर्न करना पड़ेगा, छह बार घुमाना पड़ेगा। कितनी बार घुमाना पड़ेगा? छह बार घुमाना पड़ेगा कि नहीं? आपको ध्यान होगा 6CO2 लेते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? है? तो इस वजह से मतलब ये समझाया एक के रूप में गया है, लेकिन जब इसको छह बार टर्न करेंगे, ये नहीं कि साइकिल अलग अलग चल रही है, क्या मतलब छह जब करेंगे तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार से रूप से चकना के 36, यहां कितने प्रोडक्ट थे? तीन। यहां ये आपके 6 CO2 लिए, जब एक पर मुख्य रूप से तीन थे तो आपके एक में कितने मॉलिक्यूल थे? तीन कार्बन वाला था तो दो थे कि नहीं थे, यानी 6 थे, तो ये कितने लिए? तो ये तीन दूनी 6 और 6 कितने हो गए? मैथ भी आता है मेरे को, ऐसा नहीं है, 36 हो गए कि नहीं हो गए? हैं 36 हुए। तो स्वाभाविक है 36 में से यहां ये कितने होंगे? 6 ही तो मॉलिक्यूल ये होंगे भाई, 6 चल रहा है तो 6 बार रिएक्शन चलेगी, तो यहां अपने को कितने कार्बन चाहिए? 6। तो 6 इसमें से घटा दो, 30 कहां बन रहे हैं? आगे समझ ली? 1 2 3 4 5, 5 6 30। तो इस प्रकार से 6 टर्न जब अपन लगाएंगे तो मुख्य रूप से आपको क्या प्राप्त होगी? एक अणु ग्लूकोज का प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? एक अणु ग्लूकोज का प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह साइकिल लगातार स्ट्रोमा में मुख्य रूप से चलती रहती है, पहली चीज ये। अब मुख्य रूप से आपका क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया, यही अपने को चाहिए था, ग्लूकोज ही बनाना था फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, और तो कुछ करना नहीं था, उसी क्रिया को फोटोसिंथेसिस कह दिया जाता है। लेकिन प्रश्न ये कि मेल्विन केल्विन का तो आपको पता चल गया कि मेल्विन केल्विन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इस वजह से मेल्विन केल्विन चक्र कहा जाता है। ये सबसे पहला जो चक्र चलाया था वो किसने चलाया था? मेल्विन केल्विन ने चलाया था, पहली चीज ये। इसको C3 क्यों कहा गया था? कि ये जो प्रोडक्ट बना है, प्रथम प्रोडक्ट यही तो बन रहा है, ये तो पहले से है, RuBP तो पहले से है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर तो पहले से पाया जा रहा है, ये तो CO2 को रिसीव कर रहा है, रिसीव करने के फलस्वरूप जो फर्स्ट स्टेप था वो कार्बोक्सिलेशन, जिसके फलस्वरूप 3PGA बना, क्या बना? 3PGA बना, तो यही तो फर्स्ट बन रहा है। तो ये कैसा बनता है? स्थाई उत्पाद बनता है, दो मॉलिक्यूल के रूप में 3 कार्बन वाला होता है। तो इस वजह से इसको किस नाम से जाना जाता है? C3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं? कार्बन के कितने हैं? 3, क्या? तो C3 चक्र के नाम से इस वजह से इसको कहा जाता है। अब ये तो पूरा चक्र हो गया। अब कोई प्रश्न आपसे करता है कि इसमें कितने ATP अणु खर्च हुए, कितने NADPH खर्च हुए, बता पाएंगे? कौन सा एंजाइम की आवश्यकता पड़ी? इस स्टेप पे देखिए, आप ध्यान करें, यहां कहीं मैं ATP खर्च कर रहा हूं, इस वाले स्टेप कार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट ये, सेकंड ये, और थर्ड इसको जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? रीजनरेशन, यानी रीजनरेट हो रहा है, क्या? रीजनरेट हो रहा है। तो रीजनरेट मतलब द्वारा से बन रहा है, RuBP बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो रीजनरेशन प्रोसेस वैसे ही नहीं हो रही है, ये प्रोसेस ऊर्जा के द्वारा हो रही है। किसके द्वारा हो रही है? ऊर्जा के द्वारा रीजनरेट हो रहा है। तो इस वजह से मुख्य रूप से कोई पूछता है इसमें, इस पूरी क्रिया में कितने ATP अणु खर्च होते हैं और NADPH कितने खर्च होते हैं,
बता सकते हैं क्या आप जल्दी? देखिए दिमाग लगाइए, एक CO2 को लेकर मैंने चलाई थी तो कितने एटीपी थे? दो और एक तीन, तीन थे तो कितने बार चली टर्न हुई क्रिया? हो गए, क्या कठिन था प्रश्न भाई? एक में दो और एक तीन एटीपी खर्च हुए, इसको टर्न कितने बार घुमाना है? कितने? छह। छह CO2 है क्या? तो स्वाभे के छह तीन, एनएडीपी कितने हैं? दो। ठीक, तो इस प्रकार से अब कोई ये पूछ ले तो कितने एडीपी बनते हैं? एटीपी नहीं पूछे, एडीपी कितने बनेंगे? अरे मूर्खो, जितने एटीपी खर्च हो रहे हैं उतने एडीपी बनेंगे। एक से एक गया, एक ये बन गया, फिर दूसरे से जो गया तो कितने भाई? 18 ही तो लिए हैं अपन ने, तो स्वाभाविक 18। एनएडीपी कितने बनेंगे? 12। एनएडीपी कितने बनेंगे? 12 बने। बस, तो इस प्रकार से मुख्य रूप से मेल्विन केल्विन चक्र या C3 चक्र के माध्यम से, क्या मेल्विन केल्विन चक्र या C3 चक्र के माध्यम से जो स्ट्रोमा में क्रिया होती है, किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है, उसके फलस्वरूप अपने को मुख्य रूप से एक मॉलिक्यूल, इससे ध्यान रखना, ये नहीं कहो सर छह रहे थे एक बार आपने चलाई तो एक बना दिया, लेकिन वहां एक कार्बन केवल मुक्त हुआ था क्या? और जबकि जो ग्लूकोज होता है, जो शुगर में जो ग्लूकोज जो बनता है वह मुख्य रूप से कितने वाला होता है? छह कार्बन वाला कंपाउंड है। कितने वाला है? छह कार्बन वाला कंपाउंड है। तो इसी वजह से तो आप और हम लोग जब रिएक्शन लिखते हैं तो 6CO2 करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? तो ये विषय ध्यान रखना है आपको कि जब एक में एक कार्बन आ रहा है, अपने को छह चाहिए तो छह निश्चित तौर पर इसको टन लगाने पड़ेंगे। तो ये पूरी की पूरी जो क्रिया चलती है कहाँ चलती है? स्ट्रोमा में संचालित होती है। कितने स्टेप में होती है? फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, सेकंड रिडक्शन और थर्ड रीजनरेट। ठीक है, तो ये आपका क्या है? डार्क रिएक्शन या मेल्विन केल्विन चक्र या फिर इसको क्या कहा जा रहा है? C3 साइकिल के नाम से जाना जाता। बहुत महत्वपूर्ण चक्र है ये, विषय ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो कर सकता है। किसी को कोई प्रश्न? नो?